आज 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए कैलेंडर में सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र, एकता और प्रगति का प्रतीक है। आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारे पूर्वजों ने ऐसे एक राज्य की कल्पना की जहाँ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा कायम रहे। लेट जस्टिस बी अवर गाइड, लिबर्टी अवर बैकन, इक्वालिटी अवर स्ट्रेंथ एंड फ्रेटर्निटी अवर बॉन्ड। आज का दिन ना केवल उन लोगों के संघर्षों को याद करने का है जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका दी, बल्कि हमें ये भी समझना है कि आज हमारी भी इस आगे क्या जिम्मेदारियाँ हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, अपने सब डिवीजन में, अपने जिले में एक राष्ट्र को के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल ऑफिसेज में हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स में हो, चाहे हमारे घर में क्यों ना हो। अगर कलेक्टिव एफर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ अवर सब डिवीजन नूरपुर, विच अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रेस ऑफ अवर नेशन। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की थीम डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखी गई है, जो कि विशेष तौर पर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विकासशील भारत को दर्शाता है। भारत के संविधान का उद्देश्य केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय भी देना है। राजनीतिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू राइट टू एक्सरसाइज योर वोट है। तो मैं आज सभी नूरपुरवासियों को यहाँ इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम इसी लोकतंत्र को जिसको हम अभी सेलिब्रेट करते हैं, इसको और मजबूत करते रहें। इस अवसर पर मैं आप सभी से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे नूरपुर में एक कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स की एक समस्या है, जो कि पुलिस और प्रशासन द्वारा बहुत सारे कार्य प्रयास किए जा रहे हैं, बट हमें इसके लिए एक पीपल्स मूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं आज यहाँ इस मंच से सभी नूरपुरवासियों को ये भी अनुरोध करूँगा कि इस मूवमेंट में आप सब अपनी भी एक जनभागीदारी ज़रूर दें, ताकि हम नूरपुर को जल्द से जल्द नशा मुक्त बना सकें। अगर हमारा युवा फिट रहेगा तो हमारा गांव भी फिट रहेगा। अंत में मैं आप सभी को फिर एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।